अपने कंपास की जांच करें, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव आगे बढ़ रहा है। लगातार बदलाव स्मार्टफोन और कुछ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपास के लिए एक समस्या है। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पिछले कुछ दशकों में इतनी तेजी से बह रहा है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले अनुमान अब सटीक नेविगेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। 4 फरवरी को उन्होंने एक अपडेट जारी किया कि चुंबकीय उत्तर वास्तव में कहाँ था लगभग एक साल पहले। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव साल में लगभग 55 किलोमीटर तक भटक रहा है। यह 2017 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर गया और कैनेडियन आर्कटिक को साइबेरिया के रास्ते पर छोड़ रहा है। लगातार बदलाव स्मार्टफोन और कुछ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपास के लिए एक समस्या है। हवाई जहाज और नाव भी चुंबकीय उत्तर पर भरोसा करते हैं, आमतौर पर बैकअप नेविगेशन के रूप में। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के भूभौतिकीविद अर्नॉट चुलियात ने कहा, नए जारी किए गए विश्व चुंबकीय मॉडल के प्रमुख लेखक जीपीएस प्रभावित नहीं है क्योंकि यह उपग्रह आधारित है। सैन्य इस बात पर निर्भर करता है कि नेविगेशन और पैराशूट ड्रॉप के लिए चुंबकीय उत्तर कहाँ है, जबकि नासा, संघीय विमानन प्रशासन और अमेरिकी वन सेवा भी इसका उपयोग करते हैं। हवाई अड्डे के रनवे नाम चुंबकीय उत्तर की ओर उनकी दिशा पर आधारित होते हैं और जब ध्रुव चले जाते हैं तो उनके नाम बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए फेयरबैंक्स अलास्का में हवाई अड्डे ने 2009 में एक रनवे 1L19R का नाम बदलकर 2L20R कर दिया। 8वें कोर में टर्ब्यूलेंस अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन और यूनाइटेड किंगडम दिसंबर में हर 5 साल में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के स्थान को अपडेट करते हैं, लेकिन पोल के तेज गति के कारण यह अपडेट जल्दी आया। चुलियाट ने कहा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की गति बहुत तेज है। 1831 के बाद से जब इसे पहली बार कनाडाई आर्कटिक में मापा गया था तो यह लगभग 2300 किलोमीटर साइबेरिया की ओर बढ़ गया। इसकी गति 2000 के बाद से लगभग 15 किलोमीटर घंटा से उछलकर 55 किलोमीटर घंटा हो गई। इसका कारण पृथ्वी के तरल बाहरी कोर में अशांति है। मैरीलैंड के भूभौतिकीविद डैनियल लेथरोप ने कहा कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की निगरानी करने वाली टीम का एक हिस्सा यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के भूभौतिकीविद डैनियल लेथरोप ने कहा कि ग्रह के मूल में लोहे और निकल का एक गर्म तरल महासागर है। यह मौसम में परिवर्तन के समान है, लेथरोप ने कहा। हम बस इसे चुंबकीय मौसम कह सकते हैं। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव उत्तर की तुलना में बहुत धीमा चल रहा है। हिरन का बच्चा यात्रा। सामान्य तौर पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता जा रहा है, जिससे वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आखिरकार बह जाएगा, जहां उत्तर और दक्षिणी ध्रुव ध्रुवीयता को बदलते हैं, जैसे बार चुंबक ऊपर की ओर बहता है। यह पृथ्वी के अतीत में कई बार हुआ है, लेकिन पिछले 780,000 वर्षों में नहीं। लेथरोप ने कहा, यह सवाल नहीं है कि क्या यह उल्टा होने वाला है, यह सवाल तब है जब यह रिवर्स होने वाला है। जब यह उलट हो जाता है तो यह एक सिक्के के फ्लिप की तरह नहीं होगा, लेकिन 1000 या अधिक वर्ष लगेंगे, विशेषज्ञों ने कहा। लेथरोप कमजोर चुंबकीय क्षेत्र और दक्षिण अटलांटिक पर एक क्षेत्र पहले से ही पृथ्वी की सतह के नीचे उलट हो जाने के कारण जल्दी से जल्दी एक फ्लिप आते दिखता है। यह कुछ पक्षियों को परेशान कर सकता है जो नेविगेट करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का समग्र रूप से कमजोर होना लोगों और विशेष रूप से उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अच्छा नहीं है। लेथरोप ने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को कुछ खतरनाक विकिरणों से बचाता है।